is how the development of pollen grains, means how the pollen ट्यूब विल फॉर्म फ्रॉम दिस पोलन ग्रेन. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो हमें माइक्रोस्पोर में जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमने यहाँ ड्रॉ किया. लास्ट वीडियो में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया कि इसमें टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर इन टाइम प्रेजेंट है. अब यह कहते हैं कि जब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो पोलन ग्रेन व्हेन स्टार्ट्स डेवलपिंग देन इट कंसिस्टिंग ऑफ द टू सेल, इसमें टू सेल्स प्रेजेंट होती है. तो देखते हैं कि वो टू सेल्स कैसे बनती हैं. तो यहाँ हमने ये नॉर्मल स्ट्रक्चर लिया है. आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं कि हमारे पास यहाँ एक माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है. दिस इज द माइक्रोस्पोर कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इंटाइन लेयर. क्लियर? तो यहाँ पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो किया विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, और यहाँ चारों तरफ इसके एक हमने इंटाइन लेयर को प्रिपेयर कर दिया. उसके बाद क्या होता है कि ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, तो किसी भी प्लांट सेल में जैसे ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है द वैक्यूलाइजेशन टेक्स प्लेस, और वैक्यूल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पर वैक्यूल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और जब वैक्यूल्स यहाँ इस सेल में डेवलप होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, दिस इज द वैक्यूलाइजेटेड पार्ट. इसमें यहाँ पर छोटे छोटे ये वैक्यूल्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, और ये वैक्यूल्स इस सेंट्रल न्यूक्लियस को धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कर देंगे, और ये सेंट्रल न्यूक्लियस अल्टीमेटली सेल्स के अंदर एक पोल पर शिफ्ट कर जाएगा. तो जैसे जैसे यहाँ पर वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, रिजल्ट क्या होगा, देखिए जैसे साइज इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल प्रेजेंट है, और यहाँ एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बीच में सेट हो गया सेंट्रल पार्ट में, और इसने क्या किया, न्यूक्लियस को वन पोल की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पर ये हमने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो एक पोल पर शिफ्ट कर जाता है. अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. ये न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगा इसके अंदर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी. दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है, और यहाँ सेंट्रल साइटोप्लाज्म इज देयर. वैक्यूल काफी बड़ा हो गया साइज के अंदर, तो जैसे ही यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा दिस न्यूक्लियस विल स्प्लिट अप. न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, और न्यूक्लियस के स्प्लिट होने के साथ अनइक्वल सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा. तो यहाँ पर ये सेल हो गई, इसमें वन न्यूक्लियस लोअर साइड पर, वन न्यूक्लियस अपर साइड पर, और इनके बीच में एक वॉल लेयर डेवलप हो जाती है. ऊपर जो सेल है दैट इज द बिगर इन साइज, एंड जो नीचे सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है. तो जो बड़ी सेल होती है इस सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल, इस वेजिटेटिव सेल का अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो स्मॉलर साइज की सेल है दिस सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल, इज नोन एज जनरेटिव सेल. इस सेल को हम यहाँ जनरेटिव सेल का नाम देते हैं. तो इस तरह से एक जो पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट होता है. एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उसका टू लेयर स्ट्रक्चर है. माइक्रोस्पोर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, इसमें वैक्यूलाइजेशन होगा, स्मॉल वैक्यूल्स विल डेवलप, आफ्टर दैट दे गेन इट्स साइज, देन दे पुश द न्यूक्लियस टुवार्ड्स वन पोल, और न्यूक्लियस वन पोल पर शिफ्ट होने के बाद माइटोटिक डिविजन करता है. देन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि दैट द सेल अंडरगो द माइटोटिक डिविजन, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोर देन ईच माइक्रोस्पोर हैज द हैप्लोइड स्ट्रक्चर, और कोई भी हैप्लोइड स्ट्रक्चर जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है. तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस स्प्लिट किया, और उस न्यूक्लियस ने स्प्लिटिंग अनइक्वल स्प्लिटिंग की है, जिससे एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है. जो बड़ी सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, जनरेटिव सेल में साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम होता है. तो यहाँ टू सेल स्ट्रक्चर बना. अब कहता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें 60% एंजियोस्पर्म स्पीशीज में, एंजियोस्पर्म स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन शेड एट टू सेल्ड स्टेज मीन्स 60%
जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं, उनमें जो पोलन फ्लावर से निकलता है वो इस स्टेज पर निकलता है जिसमें ऑलरेडी टू सेल्स होती हैं। अब बात आती है रिमेनिंग 40% की। तो जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज पर पास होता है। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि थ्री सेल्ड स्टेज क्या होती है, मीन्स टू सेल्ड स्टेज जो 60% स्पीशीज में है, देन 40% स्पीशीज डिवाइड नेक्स्ट बाय द डिवीजन ऑफ माइटोटिक। अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस बनकर आए हैं इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव सेल उसके प्लॉयडी भी क्या है एन नंबर है और जनरेटिव सेल की प्लॉयडी भी यहाँ पर एन नंबर है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे ये टू सेल्ड स्टेज थ्री सेल्ड में कन्वर्ट होती है। कि यहाँ पर दो सेल्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं, तो 60% स्पीशीज का आंसर यहीं पर फिनिश हो जाता है, लेकिन जो 40% स्पीशीज हैं उनमें थ्री सेल्ड स्टेज का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसे ही स्ट्रक्चर को आगे लेकर चलते हैं कि कैसे थ्री सेल्ड स्टेज की डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो दो सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसमें सबसे पहले जो एक्साइन लेयर है वो आउटर मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट है। वो एक्साइन लेयर हम यहीं पर लाइक दिस यहाँ फिनिश कर देते हैं उसे। ये एक्साइन लेयर हमारी यहाँ पर टच कर गई, इट मीन्स सिर्फ एक्साइन लेयर यहीं तक प्रेजेंट थी। उसके बाद हम एक एक्सटेंशन बनाते हैं एंड दिस एक्सटेंशन इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की यहाँ पर एक्सटेंशन आ गई। तो ये पोलन ट्यूब जनरली हमें एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है और किसका एक्सटेंशन है इनटाइन लेयर का। यहाँ पर इनटाइन लेयर डेवलप हो गई, दिस इज द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब अब क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल का यहाँ पर न्यूक्लियस है दैट न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड। यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल विच फर्दर डिवाइड अगेन बाय द माइटोटिक डिवीजन। वो फिर से एक माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है और जैसे ही इसका माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द टू मेल गैमेट्स। यहाँ पर आफ्टर दैट डिवीजन, ये डिवीजन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, टू मेल गैमेट। उसके बाद आता है कि यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव सेल थी, इस वेजिटेटिव सेल में हमने यहाँ एक लार्ज वैक्यूल ड्रॉ किया है। इस वैक्यूल का क्या होगा, ये वैक्यूल धीरे धीरे पुश होगा प्लस में। इसका जो न्यूक्लियस है दिस न्यूक्लियस कम्स फॉरमोस्ट, ये न्यूक्लियस यहाँ पर टिप पर आ जाएगा, दैट इज नेम्ड एज द ट्यूब न्यूक्लियस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करने में, पोलन ट्यूब की एंट्री करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो इस पूरे सैक्स स्ट्रक्चर में जो मटेरियल प्रेजेंट था वो सारा मटेरियल धीरे धीरे पोलन ट्यूब में पुश हो गया। क्या रिजल्ट निकला, दो मेल गैमेट बने और ये दोनों मेल गैमेट किसके डिवीजन से बनते हैं, बाय द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल। प्लस में जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर इस ट्यूब सेल का जो मटेरियल है वो सारा मटेरियल इस सेल के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रिजल्ट क्या देख सकते हैं, ये डिवीजन यहाँ से फिनिश हो गया, रिजल्ट हमने यहाँ बना दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन सेल्स हैं, टू मेल गैमिट्स हैं, टू मेल गैमिट प्लस वन ट्यूब न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, तीन सेल्स हो गई। तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ नाम देते हैं थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। और जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसमें कहते हैं वन वेजिटेटिव सेल हमारे पास है, वन वेजिटेटिव सेल प्लस में वन जनरेटिव सेल, वन जनरेटिव सेल। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर हमारा टू सेल्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टू सेल्ड एज वेल एज द थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात आती है कि जब पोलन फ्लावर से निकला तब 60% स्पीशीज में टू सेल्ड स्टेज थी, लेकिन ये जो स्टेज है ये कब बनेगी, जब पोलन फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड कर जाएगा उसके बाद जैसे जैसे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी देन द थ्री सेल्ड स्टेज विल डेवलप हेयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मेल गैमेट्स, कि ये मेल गैमेट आगे जाकर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द
पोलन एलर्जी एज वेल एज द पोलन वायबिलिटी।